खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीद से संबंधित बैठक अपर जिलाधिकारी राजस्व राजेश कुमार सिंह की अध्यक्षता में एनेक्सी भवन के सभागार में संपन्न हुई। बैठक में धान क्रय केंद्रों पर किसानों के धान खरीद के लिए बोरियों की उपलब्धता और माप तौल के लिए कांटों की समुचित व्यवस्था किए जाने पर चर्चा की गई। बैठक में कहा गया कि क्रय केंद्रों पर आने वाले किसानों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाए, जिससे उन्हें धान बेचने में किसी तरह की असुविधा न होनी पाए। बैठक में बताया गया कि खरीफ विपणन वर्ष में धान खरीद 15 अक्टूबर से 28 फरवरी तक किया जाएगा। धान खरीद में बिचौलियों पर प्रभावी लगाम लगाने के लिए किसानों के धान के मूल्य का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया जाएगा। बैठक में क्रय केंद्र प्रभारियों को निर्देशित किया गया कि सभी क्रय केंद्रों पर कोविड-19 से बचाव हेतु मास्क, थर्मल स्कैनिंग, सैनिटाइजर, साबुन आदि की व्यवस्था के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए। क्रय केंद्रों पर बोरों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा माप तौल में गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, और यदि गड़बड़ी पाई जाए तो संबंधित के विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। माप तौल में गड़बड़ी दंडनीय अपराध है। बैठक में जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडे सहित राइस मिलर और क्रय केंद्र प्रभारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला खाद्य विपणन अधिकारी राकेश मोहन पांडे ने कहा, एक बात इशू है कि कहीं बोरे के अभाव में खरीद प्रभावित न हो, जैसे सेंट्रल रिसार्स और टाइप करके मिलर्स कैसे सर्विसेबल बैग्स उनको मिल रहे हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वहाँ पे खरीद होनी है तो सेंट्रल रिसार्स करना है, इसका प्रबंधन करना है, कैसे होना है इसको इस और आप लोग कराएंगे कि बोरे के अभाव में खरीद प्रभाव न हो, ये बहुत बड़ा इशू होगा। और हम नहीं दे पा रहे हैं जो खरीद के आपने देखा, बिल्कुल प्रशांत से आप मुक्त है, प्रशांत नहीं मिल पा रहा है। हम बोरे के बारे में सरकार द्वारा जो यूजेज चार्ज अनुमन्य है 12 रुपया समथिंग पैसे, तो हम चाहेंगे कि बोरा सेंट्रल चार्ज को हम लोग उपलब्ध कराएं, भगवान को था तो हम निवेदन करेंगे अपने बोरा दें तो सेंट्रल चार्ज को रिसीव करें, और उसका सिस्टम ये है कि उस वो जो बोरा खरीद रजिस्टर बनाएंगे कल को पेमेंट होगा तो उसमें वो जरूर दर्ज करना कि फला मिल से मैंने 1000 बोरी प्राप्त किया, जो भी फिर जाएगा तो इसमें सर हम लोगों का कहीं से नुकसान नहीं है। हम प्रोत्साहित करना चाहेंगे मिल लोगों को कि सब लोग बोरे दें। धन्यवाद सर। करना है कि उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, आप अगर जो है अपने रजिस्टर उसको दर्ज करते जा रहे हैं, जैसे प्राप्त हुआ जैसे खर्च करते गए, पुनः प्राप्त किया पुनः खर्च किए दर्ज किए, ये इसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होगा तो आपको इसे चार्ज देने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको स्वसमय मिल जाएगा। मुझे लगता है पिछले 3 सालों का बकाया है, लेकिन जब हम रेगुलर हेवी ट्रायल आएंगे तो सीजन वाइज वर्ष भर मिलना शुरू हो जाएगा, तो इस काम को सारे मिलर्स करें, सेंटर के साथ उनसे कॉर्डिनेट कर लें, बोरा प्राप्त करें, जिला प्रबंधन भी इसको देख लें, पुराने बोरे में खरीद कर लिए, पुराने बोरे में धान खरीद कराए, नए बोरे में सेवा कर लें, बोरे का मिस यूज भी कम होगा, जैसा कि एजेंसी को होता है नए बोरे में खरीद हो जाती है, तो प्रथम दृष्टया यही प्रयास किया जाए कि पुराने बोरे में धान खरीद मिल जाए, नए बोरे में सेवा कर लिया जाए। नहीं तो मिलर उन्हीं सेंटर्स को जाना चाहेंगे जो उनके पास मिला सेंटर्स हो, ये मेरा आपके माध्यम से रिक्वेस्ट था कि उन मिलर्स को ये इंस्ट्रक्शन जारी कर दिया जाए कि अमुक अमुक क्रय केंद्र को आप अपनी अपनी मात्रा में बोरे उपलब्ध करा दें। ऊपर से धान क्रय प्रारंभ हो गया है, आज जनपद के समस्त क्रय प्रभारी राइस मिलर्स, इस व्यवस्था से जुड़े सारे ऑफिसर्स, एडीएम एफआर साहब की अध्यक्षता में बैठक हुई, और जो भी शासन प्रशासन के निर्देश हैं क्रय करने के लिए, इससे सभी क्रय प्रभारियों को राइस मिलर्स को अवगत कराया गया, और जनपद को इस बार 1,30,000 मीट्रिक टन का लक्ष्य दिया गया है, और इससे किसानों को हम न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ अधिक से अधिक दिला सकें, और इस संबंध में हम कैसे कार्य योजना बनाएं इस संबंध में एक बात की गई है, और हम किसान सभी क्रय प्रबंधकों से ये मैंने कहा है कि हम 1,30,000 से ज़्यादा खरीद करें, जनपद के समस्त किसान इसे लाभान्वित हों, और जो है कहीं कोई शिकवा शिकायत का इशू ना आए, इस लाभ को हम उनको दिला पाएँ, इस संबंध में एडीएम एफआर साहब एक बैठक हम लोग कराया है। सर दो समस्या आती है, काटा की आती है और एक बोरे की। हाँ, अभी तुरंत बात हुई है कि जनपद में पर्याप्त संख्या में बोरे उपलब्ध हैं, हमारे यहाँ 8 एजेंसीज जो है इस क्रय व्यवस्था में काम कर रहे हैं, खाद्य विभाग से बोरे प्राप्त करके सभी क्रय केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में बोरे उपलब्ध करा दें। कांटा खराब अगर है तो उसके लिए मैकेनिक चिन्हित हैं, वो तत्काल जो है एक फ़ोन पे मैकेनिक पहुंच जाएगा, कांटा जो है वो बन जाएगा। इन सारे बिंदुओं पे हम लोगों ने फोकस किया है और उसके समाधान के तरीके जो है सुझाए हैं लोगों को। सर
बिल्कुल जो है इस पर संवेदनशील है शासन प्रशासन जिला प्रशासन सब संवेदनशील है। हम हर क्रय केंद्रों पर जिलाधिकारी महोदय के स्तर से ड्यूटी लगाई जानी है, मजिस्ट्रेट की ड्यूटी लगाई जानी है। हमारे विभाग के खाद्य विभाग के सहकारिता विभाग के ब्लॉक स्तरीय अधिकारी तहसील स्तरीय अधिकारी इन लोगों को दायित्व दिया जा रहा है कि इस चीज़ को देखें सेंटर्स पे किस किसान ने विक्रय किया उसको फोन करके उसका परीक्षण करें कि वास्तव में किसान जेन्युइन है नहीं है। मिलर्स पे भी उसके यहाँ लगातार टीम बना करके जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। हम जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से वहाँ भी टीम बनाएंगे और मिलर्स के यहाँ भी देखेंगे, सेंटर पे जाके देखेंगे कि वहाँ पे जो खरीद की गई है वो खरीद जेन्युइन है, वास्तविक किसान से है या बिचौलिए से। अगर ऐसा पाया जाता तो कड़ी कार्रवाई कराई जाएगी।